इस बीच भरतपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। 7 पंचों के खिलाफ पुलिस ने FIR की है। विधवा बेटी के विवाह पर परिवार का हुक्का पानी बंद करने का ये पूरा मामला है। चिकसाना थाने के गांव नगला बिलोठी की एक घटना है। अब पुलिस ने खुद की FIR वायरल वीडियो के आधार पर यहां पर की है। आपको बता दें कि पिपला चौकी इंचार्ज भगत सिंह ने पूरा मामला दर्ज कराया है। FIR में पंचों को परिवार का हुक्का पानी बंद करने का दोषी माना गया है। IPC की धारा 149, 342, 384 और 506 के तहत मामला दर्ज हुआ है। सरपंच प्रतिनिधि बच्चू सिंह, भगवान सिंह, काशीराम धर्मपाल सहित 7 नामजद है। इस पूरे मामले में 7 पंचों के खिलाफ पुलिस ने FIR की है। वायरल वीडियो के आधार पर ये FIR यहां पर दर्ज की गई है। देवेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। देवेंद्र, क्या है पूरा मामला, बताएं जरा दर्शकों। देखिए आशीष, ये चिकसाना थाना के गांव नगला बिलोटी का मामला है। विजयपाल नाम के व्यक्ति ने अपनी जो उसकी छोटी बेटी थी उसकी दूसरी शादी कर दी थी। उसके पति का देहांत हो गया था और इसी बात को लेकर जो ग्रामीण थे उन्होंने एक पंचायत की, पंचायत करके उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था। उस पर आरोप यह था कि उसने अपनी बेटी को बेच दिया है, जबकि उसकी बेटी का कहना यह था कि उस पर दबाव ये बनाया जा रहा था कि जिस जहां उसकी बेटी के पहले ससुराल था वहां उसके देवर को ही उससे नाता कर दिया जाए, उसको वही बैठा दिया जाए, उसकी शादी वही कर दी जाए। लेकिन वो शराबी था जिसका उसके जो बेटी है उसने विरोध किया और उसके बाद उसकी दूसरी जगह कोर्ट मैरिज उसने कर दी। और इसी बात को लेकर पंचों ने और जो उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने दबाव बनाया और एक पंचायत आयोजित की गई। पंचायत के बाद उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया। लेकिन जब पुलिस के संज्ञान में मामला आया तो पुलिस ने पूरे मामले में तहकीकात की और अब पुलिस ने पूरी घटना के मामले में जो पीपा चौकी इंचार्ज है उन्होंने जो पंचायत का फरमान सुनाने वाले जो 5-7 सरपंच हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज किए, साथ ही कुछ अन्य लोगों को भी नामजद किया गया है। जी बहुत शुक्रिया देवेंद्र, इन तमाम अहम जानकारियों के लिए।